Hello everyone welcome back to my youtube channel and a very new vlog today's vlog is all about our visit to nujahan's tomb and now we are just entering in the tomb and this is the entry gate of uh, nujahan's tomb, <laughs> tomb entry ticket tomb is 20 rupees and this is a very beautiful historic place which is located in Bagh. और ये मकबरा भी जो है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है मुग़ल टाइम का जो एसेंस है और उनकी जो आर्किटेक्चर है उसको शो कर रहा था मैं आप लोगों के साथ इस मकबरे से रिलेटेड जितने भी इन्फो है मेरे पास वो आपके साथ शेयर करूँगी सो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक में करना है लोग यहाँ पर दोपहर के वक्त पहुँचे थे और आप लोग देखें कितनी खूबसूरत है सूरज की रोशनी और बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि सर्दियाँ बस शुरू शुरू हैं तो ये धूप जो है ना धीमी धीमी भी हो तो बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पर आप देखें कि पी ने कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है सारे बागों को और बहुत खूबसूरत जो है वो फूल भी लगाए हुए हैं जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे सारे बागों में अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्रीज़ की शेयर करती चलूँ मकबरे की वो ये है कि आ, नूर जहाँ ने ना अपनी ज़िंदगी में ही इस मकबरे को बना लिया था और चार साल के अरसे में ये इसकी तकमील हुई थी और आ, ये जो है एक सौ स्क्वेयर फीट पर यह पूरा रकबा मुहित है और जो इस पर लागत आई थी उस वक़्त वो थी तीन लाख रुपये और ये जो तख्त है जो जहाँ पर इसकी कवर है नूरजहाँ की आ, ये एक स्क्वायर फीट पर मुहित है और इसकी जमीन से जो ऊंचाई है वो है 19 आ, फीट ऊंची अच्छा जी और ये मकबरा जो है ना बड़ा खूबसूरत रेड मार्बल से जो है वो बनाया गया है और जो कि मुग़ल आर्टिटेक्चर का एक खास जो है वो एसेंस है एक खास जो है वो चीज़ को शो करता है जिसे पता चलता है कि जी मुग़ल इरा का जो एक खूबसूरती है वो इन बिल्डिंग्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा शो होती है अच्छा जो ये इसकी दीवारें हैं और जो छत है जो इसकी सीलिंग है इसमें जो है ना उस वक्त तो स्टोन्स जो बहुत ही बेशकीमत थे वो जड़े गए थे इसकी छतों के ऊपर और इसकी दीवारों में जो कि फिर अठारवी सेंचुरी में जो है ना जब रंजीत सिंह ने यहाँ पर हमला किया था तो उसने यहाँ से सारी जो है बेशकीमती जवाहरत जो हैं वो उतार लिए थे और उसको जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर जो है वो लगा लिया था अच्छा यहाँ पर ये दो कबरें हैं इस मकबरे में और एक कबर है मलका नूर जहाँ की और दूसरी कबर है इसकी बेटी लाडी बेगम की और मलका नूर जहाँ जो है वो सोलह सौ उनतालीस में उसकी डेथ हुई थी और जहाँगीर की वफ़ा बाद के अठारह साल बाद जो है ये मरी थी और जो इसके मकबरे के ये जो फ़र्श हैं ये आ, उस वक्त उन्नीस सौ बारह में हकमी, हकीम अजमल खान थे दिल्ली के उन्होंने जो है ये बनवाया था और जो इसकी दीवारें हैं और जो छतें हैं वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं ये रेस्टोर हुई हुई हैं वर्डा इनके ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत मीनाकारी की गई थी जो फ्लावर्स बने होते हैं जैसे कि आपको जंगीटोंब वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाए थे वैसे ही इस ये भी मकबरा जो है वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ था और यहाँ पर जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं वो एक ख़ास तरतीब से बनाए गए हैं कि मलकानूर जहाँ के हुक्म के मुताबिक कि वो चाहती थी कि जब चढ़ता सूरज हो और जब ढलता सूरज हो तो उसकी किन्ने जो है मेरी कब्र पर पड़े तो इसी हवाले से जो है ये कॉरिडोर्स बनाए गए हैं और ये नीचे तय आने का रास्ता है जहाँ पर मलका नूर जहाँ और उसकी बेटी लाडली बेगम की जो लाशों के तबूत हैं जो दफनाए गए हैं नीचे तो ये वो रास्ता जाता है अच्छा ये आप देखें कि जो यहाँ के बैग के भी जो बाग हैं वो कितने खूबसूरत हैं और यहाँ पर जो रेस्टोरेशन का काम है वो अभी भी जारी है कुछ ही देर में मैं आप लोगों को ऊपर इस मकबरे की छत की भी सैर करवाऊंगी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी और जो ऊपर जाने का रास्ता था उसको भी बंद किया गया था और आप लोग देखें कि ये ऊपर जाने का रास्ता किस खस्ता खाली का शिकार है और क्योंकि यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है तो कुछ मामला तो आपके सामने ही हैं ये देखें लेकिन छत ये है कि काफ़ी बड़ी थी जिस तरह की जाहिर बात है नीचे मकबरा बड़ा, बड़ा था और जंगीर के मकबरे की तरह भी इसकी छत के दरमियान में जो है वो एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है और जो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक बात बताती चलूँ कि पहले चंगी का मकबरा आसिफजहाँ का मकबरा और जो नूरजहाँ का मकबरा था ना वो सारा एक आ, मिली हुई जगह थी यानी कि सेम एक जगह थी लेकिन फिर बाद में से क्या हुआ कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने जो है ना यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बना दिया वो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देती हूँ वीडियो में यहाँ पर तो बना दिया जिसकी वजह से जो है ना ये अलग अलग हो गए कहा जाता है कि नूरजहाँ जो है उस वक्त की बहुत ही पावरफुल और ब्रेव एम्प्रेस थी इंडिया की और उसकी जो जाहो जलाल था वो बहुत ज़्यादा था और वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी रही है उस वक्त में और उस दौर में जो है उस दौर के सिक्कों के ऊपर जो है वो नूरजहाँ का नाम होता था बादशाह जहांगीर के नाम के साथ क्योंकि बादशाह जहांगीर जो है वो अपनी आ, बीवी से यानी नूरजहाँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था पहले इसका नाम होता था, था मेहरूनिसा लेकिन नूरजहाँ जो है वो इसका नाम आ, मुगल बादशाह जहांगीर ने ही रखा था आ, जिसका मतलब है लाइट ऑफ द वर्ल्ड अच्छा ये मकबरे के अब आपको लेफ्ट साइड पर हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है ना कुछ मकबरे की रेस्टोरेशन का काम चल रहा है उस हवाले से यहाँ पर काफ़ी मार्बल भी पड़ा हुआ है और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो आसिफ जहाँ का टोम है उसका डोम नज़र आ रहा है और ये ट्रैक है जो कि सुबह मॉर्निंग के वक्त सुबह की सैर के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जो बाउंड्री वाल है ये भी मकबरे की पहले गिर गई थी इसको भी दोबारा तमीर किया गया है ये बात है कि सारे मकबरे में जो है सफ़ाई बहुत ज़्यादा थी और बाग बहुत खूबसूरत थे फूल बहुत अच्छे लगे हुए थे रंग बिरंगे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो एक आप अच्छा दिन गुजार सकते हैं अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ एक पिकनिक के तौर पर और जहाँ पर जो है मकबरे के चारों तरफ बहुत ही ख़ूबसूरत फूलों की क्यारियाँ भी बनाई गई हैं ये की बेले हैं अच्छा यहाँ पे अब जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ये आ, जैसे मकबरे में हम लोग एंटर होते हैं तो इसके राइट और लेफ्ट के जो बाग हैं यानी जो शुरू में आते हैं क्योंकि हम लोग वापस जा रहे थे तो अब जो है मैंने सोचा जाते हुए आप लोगों को ये भी बाग दिखा दूँ अगर किसी ने सीढ़ियाँ उतर के नीचे बाग की तरफ जाना है तो वो सीढ़िया उतर के चला जाए अगर किसी ने ऐसे डायरेक्ट जाना है वो ऐसे डायरेक्ट आ जाए नीचे की तरफ बाग में तो ये बाग भी माशाल्लाह आप देखें कि यहाँ पर जो है ना फूलों की बेलों वाले जो पौधे हैं वो ज़्यादा थे और दरमियान में जो है वो सीटिंग भी बनाई गई है बड़ी खूबसूरत सी और यहाँ पर जो है आप लोग फूलों के रंग देखिए कितना प्यारे हैं ऑरेंज और येलो कलर में ये स्टार बना हुआ है और आगे ओवल शेप में था स्क्वेयर शेप में था तो बड़ा प्यारा लग रहा था अगर यहाँ पर कोई फ़ोटो शूट करना चाहे ना आकर तो बड़ी प्यारी फ़ोटो शूट हो उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो ओवरऑल जो है हमारा विज़िट यहाँ पर बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा इसके हवाले से जो थोड़ी सी तारीख थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और जो यहाँ पर खूबसूरती है जो कि मैंने अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों को दिखाई तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो आपने भी मेरी वीडियो को लाइक क्लास भी करना है और शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मैं मिलूँगी अब आपको अपने एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़